हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और पिछली क्लास तक हम लोगों ने तीन लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तीन अलग अलग लेक्चर हमने डिस्कस किया है, और उम्मीद है कि आपने ये सब देख लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग जो अगले लेक्चर पे बात करेंगे, और पिछले क्लास में हमने बात किया था रेजिस्टेंस के बारे में और फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर थे आपको याद है? आर इज इक्वल टू, हमने डिराइव किया था रो एल बाई ए, जिसमें रो है रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। और एक और फैक्टर के बारे में बात किया था कि टेम्परेचर पे का भी रेजिस्टेंस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में इससे आगे हम लोग बात करना चाहेंगे और इससे आगे बात करेंगे। आज रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी और बात करते हैं और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं, और फिर इसके बाद करंट डेंसिटी की बात करेंगे और उनमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे कि करंट डेंसिटी का कंडक्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। तो आज इन सब बातों पर चर्चा होगी। तैयार हैं आप? ठीक है, ओके। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहली बात हम लिखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस व्हाट इज दैट? पहले भी बात किया है, एक बार थोड़ा सा इसमें डिटेल बात करनी है, इसलिए और ज्यादा इसको डिटेल में करना चाहते हैं। इसलिए इसको रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट और ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर कंडक्टर टू प्रोड्यूस ऑब्स्ट्रक्शन वाइल करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। ऐसे भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोजेज बाई कंडक्टर वाइल करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ऐसे भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन नथिंग इट ऑब्स्ट्रक्शन पोजेज पोजेज ड्यूरिंग करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक अवरोध है, एक बाधा है जो कि प्रोड्यूस करता है, और ये कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है के करंट के फ्लो में परेशानी होती। तो ये डिफिकल्टी जो करंट के फ्लो में होती है, उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये भी बताया था। एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस स्टेंस इज ओम ओम, ये सिंबल। तो रेजिस्टेंस होगा कितना हम जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना। तो R इज इक्वल टू V बाई आई होगा। V होता है वोल्ट में और ये होता है एम्पियर में, है ना। तो वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम, वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम, इसी को कहेंगे ओम, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम। अब इसका मतलब है कि वोल्ट एम्पियर और रेजिस्टेंस आर है, तो एक ओम कितना होगा, वन ओम रेजिस्टेंस कितना होगा? तो वन ओम रेजिस्टेंस तब होगा जब यहाँ वन वोल्ट का करंट पोटेंशियल डिफरेंस हो अक्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर और ये वन एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो। तो वन ओम रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द
obstruction offered by conductor while 1 ampere current is flowing through it while potential difference across end of conductor is 1 volt. तो ये कहलाएगा 1 ohm. I hope आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो 1 ohm जो है वो उतना रेजिस्टेंस है जो कि 1 ampere का करंट फ्लो हो रहा हो और उस वायर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ये वायर है मान लेते हैं, तो इस वायर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस जो हो वो कितना हो, 1 volt का हो, और इससे जो करंट फ्लो हो रहा हो वह 1 ampere का हो रहा हो, ठीक है? तो रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड होगा वह 1 ohm कहलाएगा, ठीक है? तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस राइट ना, इज व्हाट, m L square T to the power minus 3 ampere to the power minus 2. ये होता है इसका dimension. Dimension of resistance. तो hopefully ये बात आपको समझ में आ गई होगी. एक international ohm कितने को कहेंगे? तो एक definition international ohm के लिए भी है. हालांकि ये external, ये extra जानकारी है. इसे आप याद रख सकते हैं. One international ohm. International ohm. ये क्या होता है? One international ohm is defined as the resistance offered by 106.3 centimeter mercury column of cross-sectional area 1 millimeter square having mass 14.4521 gram at 0 degree centigrade. ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप चाहें तो इसे याद नहीं भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बट एक डेफिनेशन है, जस्ट फॉर इंटरेस्ट आपको बता दिया कि एक डेफिनेशन है, इंटरनेशनल ओम कहा जाता है, ठीक है? ये डिफाइंड है. अब हमें बात करनी है कि रेजिस्टेंस होता क्यों है, किसी भी कंडक्टर में आखिर रेजिस्टेंस होने का क्या कारण है. जैसा कि हमने बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है. अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कहां से आती है, तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि करंट फ्लो होता कैसे. तो जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था कि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, जो मेटालिक कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका फ्लो जो होता है, जब वन डायरेक्शनल हो जाता है तो करंट का फ्लो होता है. अब ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो कंडक्टर्स के आयंस के साथ ये कोलाइड करते हैं, और इनके कोलिजन से, ड्यू टू दिस कोलिजन होगा तो क्या होगा, आप जा रहे हैं सड़क पे जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई टक्कर मार दे तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना, आप उतनी तेजी से तो नहीं जा पाएंगे जितनी तेजी से जा रहे थे, तो आपको अवरोध उत्पन्न होगा सड़क में और आप उतनी तेजी से नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं रास्ते में बहुत ट्रैफिक है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी. वही बात होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में स्लो हो जाता है ड्यू टू कोलिजन विथ फ्री आयन विथ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में जब ये आयन से कोलाइड करते हैं तो इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जो
आयंस है कंडक्टर के, वो इनको क्या करते हैं, वो इनको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो जहां पर आयंस कम होगा वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, जहां पे आयंस ज्यादा होंगे पर यूनिट ग्राम्स उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस का मुख्य कारण जो है, मेन कॉज है, वो है ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, है ना। तो ये कितना होता है ये समझने के लिए कि हर एक कंडक्टर की बनावट अलग अलग होती है, उसमें एटम्स का अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। तो ये डिपेंड्स करेगा कि किस कंडक्टर की अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसी है। डिपेंडिंग अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर्स आर डिफरेंट। आइए इसको इस एक्सप्रेशन से सीखते हैं। रेजिस्टेंस होता है वी बाई आई, है ना, और इसको आप लिखते हैं एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, है ना, यही हमने लिखवाया था। तो ये है एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेस्टिविटी, तो रो एल बाई ए, वेयर रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये टाउ क्या है, वेयर एम क्या है, एम है मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। ये हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, है ना। मास तो है वो इलेक्ट्रॉन का फिक्स रहेगा हर एक कंडक्टर के लिए। ई जो है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और रिलैक्सेशन टाइम टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये डिफरेंट हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो कम कोलिजन होगा तो वहां रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, ऑब्वियस है वहां पे ज्यादा तेजी से भागेंगे, रुकने का मौका कम लगेगा। तो ये है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसलिए ये हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मेनली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई जी। सो G इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, और इवन यू कैन से डायरेक्टली G इज इक्वल टू 1/R। सो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो, ओम का उल्टा मो, और सीमेन denoted by S. तो SI unit of conductance is S. SI unit of conductance is mho or siemens and it is denoted by S. ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वायर है उसकी रेजिस्टेंस 4 मिली ओम है, दैट इज 4 × 10⁻³ है, तो इसका कंडक्टेंस होगा 1/R, 1/4 × 10⁻³, 10⁻³ ऊपर 3 जा करके 1000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 250 सीमेन, ये होगा इसका
कंडक्टेंस, तो आप इस तरह से कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो जैसा कि रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी क्या है ये अब डिफाइन करते हैं। हमने कहा रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं, तो रो क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो रो के बदले अगर एल 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ हो 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर लेंथ हो और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ये जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उतना को कहेंगे रेजिस्टिविटी, क्योंकि तब हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो। सो देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, बीटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये होगा कि ये अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। देयरफॉर एसआई यूनिट इज कॉल्ड इज ओम मीटर, ओम मीटर। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको डिफाइन करें और ज्यादा, तो यहां पे हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1 मीटर, आर इज A अपॉन L इज इक्वल टू रो हो जाएगा, और R है 1 ओम और ये है 1 मीटर स्क्वायर और ये है 1 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 ओम मीटर। इसलिए रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर, ऐसे ये आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी जो होगी वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ऐसे भी डायरेक्टली कह सकते हैं, पर यूनिट एरिया, तो बात वही हो गई, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। तो जिस प्रकार से रेजिस्टेंस के उल्टा कंडक्टेंस होता था, वैसे ही रेजिस्टिविटी के उल्टा रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा कंडक्टिविटी। So conductivity is what? Conductivity is the reciprocal of resistivity. Reciprocal of resistivity. Resistivity is called conductivity. Called conductivity. It is denoted by by sigma, and therefore sigma is equal to 1 upon rho. इसलिए ये होगा rho, rho की यूनिट क्या होती है, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, mho, mho per meter. So SI unit of conductivity is mho per meter, right ना, और सीमेन पर मीटर, ये हो। अब इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं उसी तरह से। तो डायमेंशन निकालने के लिए
डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी अगर निकालना हो तो क्या करोगे? तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको ये देखना होगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये तो वॉल्यूम हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एल टू दी पावर -3। ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करे तो चार्ज बनाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, टाउ टाइम है टी हो गया, एम मास है तो एम हो गया। सो व्हाट विल हैपन? अब इन सबको मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा एम का पावर -1 ए स्क्वायर, एल का पावर -3 और टी का पावर 3। ये हो जाएगा पूरा एम एल, टी का पावर -3, एम का पावर -1, एल का पावर -3, टी का पावर 3, ए स्क्वायर। दैट इज द डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये हो गया कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है। व्हाट इज करंट डेंसिटी? सो करंट डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी है ना, क्या है डेंसिटी का मतलब ही होता है कि जमाव, करंट का जमाव। कैसे? तो अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर ऐसे हो और करंट ऐसे पास कर रहा है, या कंडक्टर अगर ऐसे रखा जाए करंट ऐसे पास कर रहा है, और कंडक्टर ऐसे हो और करंट ऐसे पास कर रहा है, तीनों में क्या फर्क होगा? जब ये एरिया ऐसे होगा, यूनिट एरिया है ए, और एरिया वही यूनिट एरिया यहाँ भी है, वही यूनिट एरिया यहाँ भी है। जब इस तरह से कोई पाइप हैंड किया जाए जैसे ऐसे है और ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इस यूनिट एरिया से होकर के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। इस तरह से होगा तो हो सकता है कम पास करे या एक भी पास ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है, दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे ज्यादा पास करेंगे, यहाँ पे ज्यादा पास करेंगे, यहाँ पे ज्यादा पास, यहाँ पे हो सकता है कि एक भी ना पास करें। ये करंट की डायरेक्शन है आई की, और ये इस एरिया के नॉर्मल की डायरेक्शन है डी ए, है ना, एरिया पे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है। यहाँ पे ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई और करंट की डायरेक्शन है ये। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है और नॉर्मल की भी डायरेक्शन सेम, तो ऐसी स्थिति में यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, यानी यूनिट एरिया में जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे किसी कंडक्टर के, जब वो नॉर्मल हेल्ड किया जाए, नॉर्मली हेल्ड किया जाए, इसका नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर नॉर्मल है, कंडक्टर पे जब डायरेक्शन होगी नॉर्मल एरिया वेक्टर की, वो होगी करंट के डायरेक्शन। सो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज the amount of current flowing through conductor unit area of conductor to unit area of conductor at a point when it is held perpendicular to the direction of flow of current. It is denoted by J. Current density is denoted by J. ठीक है, J से इसको denote करते हैं।
यानी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी डेंसिटी जे इज इक्वल टू करंट अपॉन टाइम, ठीक है, करंट अपॉन टाइम, करंट पर यूनिट एरिया, यानी आई बाई ए। लेकिन इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है, यहां पे जो एरिया वेक्टर डीए है और आई है, यहां मैक्सिमम हो रहा है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है जीरो, यहाँ पे एंगल है दोनों के बीच में, डायरेक्शन के बीच में एंगल है थीटा, है ना, और यहाँ पे थीटा कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो जीरो हो रहा है, और जब जीरो है तो मैक्सिमम हो रहा है। ये किसका करेक्टर है, ये कॉस थीटा करेक्टर है कि कॉस जीरो मैक्सिमम होता है और कॉस 90 जो होता है वो जीरो होता है। तो इस तरह से अगर हम करंट डेंसिटी को कहें कि जे इज इक्वल टू आई डॉट डीए हो, या आई इज इक्वल टू जे डॉट डीए कर ले कि जे करंट वेक्टर है, ये जे डॉट डीए इज इक्वल टू आई, जैसे हमने कहा कि जे क्या है, आई बाई ए है, तो आई इज इक्वल टू जे इंटू ए हो गया। लेकिन ये करंट मैक्सिमम तब होता है जब इनके बीच का एंगल जीरो होता है ना, नॉर्मल वेक्टर के बीच में जीरो होता है, इसलिए हम इनको डॉट प्रोडक्ट, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर और वेक्टर में ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि करंट जो है डेंसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी है ना, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डीए इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द कंडक्टर कंडक्टर, ठीक है, तो ये होगा आई इज इक्वल टू जे डॉट डीए। अब ये चूंकि छोटे एरिया है तो इसको भी डी आई कह सकते हैं, और पूरा आई निकालना हो तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, ये कह सकते हैं जे डॉट डी ए, ये पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, करंट। अब ये इंटीग्रेशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो किसके ऊपर होगा, सरफेस के ऊपर, तो जब जे डॉट डी आई इज इक्वल टू, या आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए कहें, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब थीटा जीरो डिग्री होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, यानी नॉर्मल होगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, और जब पैरेलल होगा ऐसे और करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये करंट का एरिया जो है और ये करंट का डायरेक्शन है दोनों पैरेलल है, यानी नॉर्मल टू द एरिया इज द डायरेक्शन टू द परपेंडिकुलर ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ऐसी स्थिति में करंट जीरो होगा। तो ये जे डॉट डी ए, ये हुआ करंट डेंसिटी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये होगा करंट डेंसिटी का यूनिट। ऑल्सो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो आई क्या होता है एन ई ए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन एरिया क्या है हमारा ए, ए से ए कट गया तो हम कहेंगे एन ई ए एन ई वी डी, ये है करंट डेंसिटी। आप इस तरह से भी इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं, दैट इज जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, वी डी क्या होता है याद है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इस तरीके से करंट डेंसिटी निकल जाएगा, समझ आए। एक और बात कर लें, एक रिलेशन होती है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड कंडक्टिविटी सिग्मा, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हम इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये होता है,
आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी अपॉन क्या, है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है एन ई ए अपॉन ए से कट जाएगा, ये होता है क्या, तो ई अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एम, है ना। तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, है ना। तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम, यहाँ पे टाउ भी होता है ना, तो टाउ इंटू ई, है ना। इस चीज को क्या कहते हैं, ये चीज होती है कंडक्टिविटी। रो इज इक्वल टू होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। सो 1/ρ इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एंड व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो देयरफॉर ये कंडक्टिविटी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो ये हो गया कंडक्टिविटी इनटू ई। तो ये हो गया कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये एक एक्सप्रेशन होता है, इसे आपको याद रखना चाहिए। इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। जब आपसे कहा जाए कि माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ, तो ये रिलेशनशिप आपको एस्टेब्लिश करना होगा। इट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ, यानी बहुत माइन्यूट जो है, हमने माइक्रो लेवल पे इसको ऑब्जर्वेशन किया कि करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप होता है। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको तब तक एंजॉय करें, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने दोस्तों को भी बताएं। रेगुलर हम पूरी फिजिक्स इस पे डिस्कस करेंगे, और बाद में फिर जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा इसको आईटी के लेवल पे भी ले जाएंगे। हमने इसको दो सेगमेंट में बांटा है, जरूरत के हिसाब से बच्चे पढ़ें, किसी को भी जरूरत से ज्यादा न पढ़ाई जाए और किसी को जरूरत से कम भी न पढ़ाई जाए। तो जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ मोटिव सीबीएसई में अच्छे नंबर लाना है, उनके लिए भी तैयारी हो, और जिनको आईटी जेई मेन या एडवांस करना है उनके लिए भी तैयारी। हम एक साथ इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि एक साथ पढ़ाने से क्या होगा कि जिनको जेई नहीं करना है उनको अननेसेसरी के बहुत सारा इंफॉर्मेशन चला जाएगा जो कि उनके काम का नहीं होगा, और उनको फिर दिक्कत हो सकती है उन चीजों को याद करने में। काम का चीज तो याद रखा नहीं जाता, बिना मतलब का बिना काम का चीज दुनिया भर के याद करें तो टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगा और बोझिल भी लगेगा। इसलिए हमारा मानना है कि हम इसको दो कैटेगरी में बांटे, पहले लेवल पे उनके लिए पढ़ाई किया जाए जिनको सिर्फ बोर्ड करना है, स्कूल में अच्छे नंबर भी तो आने चाहिए, और दूसरे लेवल पे उनको पढ़ाया जाए जिनको सिर्फ जेई की तैयारी करनी है। हो सकता है उस दौरान कुछ छोटी मोटी बातें इसमें से रिपीट हो जाएगी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पढ़े हैं आपको थोड़ी सी छोटी सी बात रिपीट होगी तो जेई लेवल पे तो आपका कोई समय बर्बाद नहीं होगा, बल्कि एक रिविजन ही हो जाएगी। उम्मीद है कि आप इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। टिल देन बाय बाय।